भरतपुर के लाडले जो भजनलाल शर्मा जी ने अपना जो रोड शो किया है उससे हमारे व्यापारी वर्ग बहुत खुश है। और रोड शो से बहुत फर्क पड़ेगा, रामस्वरूप कोहली जी को वोट मिलेगी। हालांकि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, जैसा कि यहाँ पर चुनाव के माहौल चल रहा है उसमें निश्चित रूप से बीजेपी भारी है। तो निश्चित रूप से मोदी एक एनर्जेटिक और बढ़िया पर्सन है देश के लिए, नेता के रूप में मोदी का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। आज जो रोड शो किया वो बड़े ही आनंद फानंद में लगा, ये ऐसा लगा कि जैसे एक फॉर्मेलिटीज की जा रही है, एक खेल खेला जाता है आम पब्लिक के साथ। नहीं कर पाए हम स्वागत, हमारे हाथ में ये माला लगी हुई है, अभी भी माला लगी हुई है, वो हमारी माला यूं भी तुर लगी रहेगी। 100-100 रुपए की हमने गुलाब की मालाएं खरीदी, मतलब वो इतनी जल्दी में थे, मतलब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया मतलब किसी चीज पे। 400 का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरी बीजेपी एकजुटता से जुटी हुई है। बाजार भगवामय हो रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के नेताओं के दौरे जारी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपने गृह जिले भरतपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में लोकसभा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में रोड शो किया। रोड शो कुम्हेर गेट से शुरू होकर बिजली घर चौराहे पर खत्म हुआ। रोड शो के चलते पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद रही, जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात किए गए। इस दौरान शहर के अंदर भारी वाहनों के प्रवेश को भी रोक दिया गया। रोड शो में सीएम भजनलाल का जगह जगह स्वागत किया गया। हालांकि इससे पहले कुम्हेर और सीकर में भी सीएम ने जनसभा की। रोड शो के बाद पंजाब केसरी से संवाददाता रिंकू एरिजा ने जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की। इसी कड़ी में जनता से बातचीत कर राय जानी, क्या कुछ कही भरतपुर की जनता, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूँ रिंकू एरिजा, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का 2 दिवसीय दौरा भरतपुर में रहा, जिन्होंने सीकरी में भी एक जनसभा की और कुम्हेर में भी जनसभा की। भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भरतपुर आए। आज उन्होंने एक रोड शो भी किया, जिस रोड शो में काफ़ी संख्या में लोग तो नजर आए। हम आम जनता से बात करेंगे, इस रोड शो से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर कितना फर्क पड़ेगा, कितना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि हम चल रहे हैं, हम कुछ लोगों से बात करेंगे इस रोड शो के बारे में कि जो रोड शो आज हुआ, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो रोड शो किया उसके बारे में हम बात करेंगे। सर आज जो रोड शो हुआ जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के और भरतपुर के लाडले सपूत श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जी का रोड शो रहा। काफ़ी उत्साहपूर्वक सभी कार्यकर्ता ने और भरतपुर की जनता ने उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया और काफ़ी लहर से गर्म जोशी के साथ में उनका रोड शो रहा। सभी का प्रेम और स्नेह रहा और शर्मा जी ने सभी का हार्दिक अभिनंदन किया। इनका कहना है कि जिस भरतपुर जो रोड शो हुआ है उस रोड शो से बहुत अच्छा फर्क भी पड़ रहा है। हम और भी बात करेंगे, हमारे साथ में और भी हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि इस रोड को शो के ये जो रोड शो हुआ था इसमें भारतीय जनता पार्टी से कितना फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि भरतपुर के लाडले जो भजनलाल शर्मा जी ने अपना जो रोड शो किया है उससे हमारे व्यापारी वर्ग बहुत खुश है और वो सब एक भजनलाल जी को के माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हम भाजपा की सरकार दोबारा चाहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। भाजपा सरकार आएगी और रोड शो से बहुत फर्क पड़ेगा, रामस्वरूप कोहली जी को वोट मिलेंगे। ये थे मेरे साथ में व्यापारी वर्ग जो कि ये कहना चाह रहे थे कि बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। मेरे साथ में एक साथी भी है, उनसे मैं बात करूंगा। आज भजनलाल शर्मा जी का जो रोड शो हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। बढ़िया प्रदर्शन रहा है भजनलाल जी का और बीजेपी का, बढ़िया वो मोहम्मद दिख रहा है इस चीज में। आज जो भजनलाल शर्मा जी का जो रोड शो हुआ मुख्यमंत्री जी का, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, बहुत बढ़िया था और भरतपुर के लोकल आदमी थे, उनका एक बार चाहिए भी था कि वो यहाँ पर आए और अपने लोगों से मिलें। उनका प्रभाव हमेशा ही यहाँ पे बना रहेगा, जिससे हालांकि बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, जैसा कि यहाँ पर चुनाव के माहौल चल रहा है उसमें निश्चित रूप से बीजेपी भारी है, पर फिर भी उनका लोकल यहाँ होने के नाते एक विजिट करना जरूरी था और रोड शो करके उन्होंने इस काम को अपने व्यस्त शेड्यूल में से पूरा किया। ये थे मेरे साथ में साथी जो उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार
कि जो मुख्यमंत्री है राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने रोड शो किया और रोड शो से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वो राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो निश्चित रूप से भीड़ तो उनके रोड शो में होना स्वाभाविक है, और वो चूंकि एक पार्टी से तो पार्टी के लोग उनके साथ थे, तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है कि रोड शो में मतलब वो पार्टी बीजेपी की कोई मतलब हम उसको ये मान के चले कि बीजेपी का कोई एक मतलब बहुत बड़ा मतलब वो है, या कोई मतलब जैसे कांग्रेस के गहलोत जी आए तो उनका कोई मतलब हम ये मान लें, मतलब एक पार्टी एक प्रदेश का जो सबसे बड़ा आदमी होता है वो अगर बाजार में निकलेगा तो निश्चित रूप से भीड़ तो होगी, तो उस रोड से उसे कोई मायने नहीं है। रही बात बीजेपी की और कांग्रेस की और देश में आज लहर की, तो निश्चित रूप से मोदी एक एनर्जेटिक और बढ़िया पर्सन है, देश के लिए नेता के रूप में मोदी का कोई अल्टरनेट नहीं है। लेकिन बात विकास और देश की आती है तो उसमें बहुत कुछ बातें हैं जिनको मतलब राजनीतिक स्तर पर मतलब नज़रअंदाज किया जाता है और एक खेल खेला जाता है आम पब्लिक के साथ। आम पब्लिक पहले भी ऐसे थी और आज भी ऐसी है और आगे भी ऐसी ही रहेगी। आम पब्लिक का राजनीतिक मुद्दा से कोई लेना देना नहीं और उसकी कोई सुनता भी नहीं है, ये मेरी खुद की अपनी राय है। नहीं, आज जो रोड शो किया वो बड़े ही आनंद फानंद में लगा, ये ऐसा लगा कि जैसे एक फॉर्मेलिटीज़ की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भरतपुर जिला व्यापार महासंघ से मिले थे और उन्होंने कहा था कि भरतपुर जिला व्यापार महासंघ द्वारा भी कुम्हेर गेट पे एक स्वागत का इंतजाम रखा गया है और हम सब लोगों ने वहाँ मंच बनाकर और एक पूरी तरीके से तैयारी भी करी। व्यापार महासंघ ने पूरे व्यापारियों को बाजार में जगह जगह सूचित भी किया और सभी ने तैयारियाँ करी, मालाएँ मंगाई, किसी ने मुकुट मंगाई, कुछ भी मंगाई, लेकिन वहाँ आनंद फानंद में आए वो और वो शायद आधे पौने घंटे एक घंटे में वो पूरा रोड शो करके चले गए, तो ये एक फॉर्मेलिटी सी लगी और जैसे व्यापारी भी में थोड़ी सी नाराज़गी है, या तो इनको निकलना नहीं चाहिए था और निकलना था तो थोड़ा सा तो व्यापारियों के लिए समय देना चाहिए था। ऐसा नहीं है, रोड शो बहुत अच्छा हुआ है। कुछ लोगों की नेगेटिव अप्रोच आती है, अच्छे काम में नेगेटिव अप्रोच आती है, कल मैं उनके साथ सुबह से ही था। जो पत्रकार हैं आप लोग ही बता रहे थे कि साहब जाट समाज की नाराज़गी है, पर कल जो मैंने कुम्हेर की सभा देखी है वो ऐतिहासिक सभा थी। वाकई में कुम्हेर में जो सभा हुई है सर्व समाज था पर जाट समाज भी बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी विलास में विभिन्न समाजों की मीटिंग ली है, कोई बैद समाज भी लिए, जाट समाज के लिए, गुजर समाज के लिए, जाट समाज भर के था, पूरा हॉल भरा हुआ था प्रमुख नेताओं से। कुछ एक दो लोग होते हैं भाई साहब, कुछ नाराज़गी होती है, कारण क्या है कि पहले तो भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष थे वो, फिर उनको टिकट नहीं दिया, आज वो इंडी की बात करते हैं, तो इसका कारण आप लोग समझ सकते हो। इस बारे में मैं क्या कहूँ, आज हमें बड़ी उम्मीद थी कि रोड शो में आज हमारे भरतपुर जिले से के CM भजनलाल जी आ रहे हैं तो हमें बड़ा ज़ोरदारी से स्वागत करना था। हम लोगों ने व्यापारियों ने 100-100 रुपए की 80-80 रुपए की मालाएं भी खरीदी, लेकिन वो स्वागत नहीं कर पाए और ना ही उन्होंने कोशिश की कि व्यापारियों से माला लेके वो अपना स्वागत कर पाए। क्या आपने स्वागत नहीं कर पाया? नहीं कर पाए हम स्वागत। हमारे हाथ में ये माला लगी हुई है, अभी भी माला लगी हुई है, वो हमारी माला यूँ की त्यों लगी रहेगी। 100-100 रुपए की हमने गुलाब की मालाएं खरीदी थी। थोड़ी सी नाराजगी यूँ कि हमारा अपना मुख्यमंत्री और जनता से संपर्क नहीं करे तो हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। मंत्री जी का जो रोड शो था संतोषजनक नहीं था, मतलब वो इतनी जल्दी में थे, मतलब उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया मतलब किसी चीज़ पे। मैं व्यापारी जो मतलब उनका स्वागत करना चाहते थे उस तरह से मतलब कोई वो नहीं रहा। खाना पूर्ति वाली बात रही मतलब रोड शो का सिर्फ नाम था, मतलब जो जनसभा के लिए निकलना चाहा उनको उस तरीके से नहीं निकले। बड़ी जल्दी में रहे ये CM साहब और बिल्कुल भगते हुए जा रहे थे एकदम से, तो जो व्यापारी आज पैसा खर्च करके उन्होंने मालाएं भी ली थी, फूल भी बरसा रहे थे, वो संतोषजनक इनका नहीं रहा व्यापारियों को। आज का जो रोड शो हुआ है बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया हुआ है। सारे जो भी अपने राजनीतिक हैं सारा एक साथ है सारा, और जो मोदी जी ने 400 का लक्ष्य रखा है तो वो मेरे को लगता है भरतपुर की सीट को जिता के 400 का लक्ष्य पूरा करने के लिए पूरी बीजेपी एकजुटता से जुटी हुई है, कहीं भी नहीं चल रही है, सब एक साथ मिलकर रामस्वरूप कोहली जी को जिताने के लिए लगे हुए हैं।
जिस तरीके से मोदी जी की ये योजना है उनमें कहीं ना कहीं अपन को तो लाभ मिलता ही है, और जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, धारा 370 हटाना, राम मंदिर का निर्माण, सनातन धर्म के लिए कार्य करना, 3 तलाक, ये सारे कार्य को देखते ही लिए ही हम मोदी जी को वोट कर रहे हैं। आज भरतपुर में जो रोड शो किया है कुमेर गेट से लेकर बिजलीगढ़ तक, पूरा बाजार भगवामयी हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये आज भजनलाल जी की तरफ से जो रोड शो किया गया है, इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। 19 अप्रैल को जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वोटिंग होनी है उसका ग्राफ बढ़ेगा, और बहुत अच्छे मतों से व्यापारियों द्वारा, आम जन द्वारा वोटिंग की जाएगी, और इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा प्रदेश में। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी वोटिंग होगी, और व्यापारियों में भी रुझान है अब भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटिंग करने के पक्ष में हैं। जिस तरह से जाट समाज का अभी समर्थन भी मिला है, आज मीटिंग हुई है, एक सभा हुई है अभी लच्छू विलास में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी, उसमें भी भारतीय हमारे जो भरतपुर के और प्रदेश के जो जाट समाज हैं उनकी तरफ से उनको समर्थन दिया गया। खुशी का पल था एक, जिसका साक्षी मैं भी हूँ, और जहाँ तक मेरी उम्र में मेरा जानना है, मेरी उम्र है कि मैंने अपने जीवन काल में किसी मुख्यमंत्री को भरतपुर के अंदर रोड शो करते हुए नहीं देखा, मेन मार्केट के अंदर। बहुत दिल से खुशी हुई और भव्य स्वागत हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि और स्वागत होना लाजमी भी था क्योंकि वो भरतपुर के सपूत भी हैं, और बीजेपी का तो वैसे ही ऑलरेडी माहौल बना हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आने की वजह से और माहौल ज़बरदस्त बन गया है, और पब्लिक ने उनका बहुत ही उत्साह से स्वागत किया, और होना भी चाहिए क्योंकि भरतपुर का सपूत और वो भी सूबे का मुखिया, तो स्वागत तो होना लाजमी था। हमने भी अपने सारे कार्य पोस्टपोन करके और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया, और दिल से स्वागत किया, और काफ़ी अच्छी संख्या में भीड़ थी, और रामस्वरूप कोहली जी का को इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो रोड शो किया है, और उन्होंने यहाँ पर माहौल भी ऐसा क्रिएट किया जैसे जाटों के आरक्षण के बारे में उन्होंने कहा कि मैंने कार्य समिति बना दी है और वो दिल्ली तक जाएगी कार्य समिति, और उसके शैलेश सिंह जी जो विधायक हैं डी कुमेर के, उनको सदस्य भी मनोनीत कर दिया है, और महाराज विश्वेंद्र सिंह जी का भी फोन पहुंचा, उन्होंने मतलब जो कहा है ये स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल से दिल की आवाज़ तक पहुंचे हैं वो, उन्होंने ये भी बताया है कि भरतपुर की ऐसी कोई समस्या नहीं जिससे मैं वाकिफ नहीं, और पर्यटन सर्किट बनाने की बोली रहे। धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम आज का। वैसे तो बहुत बढ़िया माहौल रहा है, भीड़ भाड़ का स्वागत बहुत अच्छा हुआ है, और इससे ऐसा लग रहा है, और जो भी पब्लिक की मानसिकता जो देख रहे हैं, जो मतलब बताता है, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया रहना चाहिए, भाजपा के लिए बहुत अनुकूल टाइम है, बहुत बढ़िया है। साथियों, ये थे मेरे साथ में भरतपुर के लोग, जो एक रोड शो के बारे में उन्होंने बताया। कुछ लोग संतुष्ट भी थे, व्यापारियों में कुछ रोष भी था, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने रोड शो किया, रोड शो में वह व्यापारियों से भी नहीं मिले, कहीं किन्हीं की माला रखी रह गई, कहीं किन्हीं का मुकुट भी रखा रह गया, काफ़ी नाराज़गी भी दिखाई दे रही है जिस तरह से हमने बात की। कैमरा पर्सन राज के साथ भरतपुर से पंजाब केसरी के लिए रिंकू एलिजा।